सभी दर्शकों को स्वप्निल वर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। हमारी आज की रेसिपी है चने दाल का भाजी बड़ा। चने दाल का भाजी बड़ा बनाने के लिए हमने एक कप चने की दाल ली है। दाल को सबसे पहले हम बहुत अच्छी तरह से 3-4 बार पानी से वॉश कर लेंगे। दाल हमने धो ली है, इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और लगभग 2.5 से 3 घंटे के लिए इसे भीगने देंगे। तो पानी इतना डालेंगे कि दाल अच्छे से भीग जाए, इसके अंदर डूब जाए और लगभग 1-1.5 इंच पानी ऊपर रहे। इसे हम ढक के 2.5-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 3 घंटे के बाद मैं इसे खोल रही हूँ। दाल बहुत ही अच्छी तरह से भीग चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दाने कितने फूल चुके हैं। अब हम इस पानी को दाल से अलग कर देंगे और दाल को पीसेंगे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के। बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दाल को जितना ड्राई हो सकेगा उतना हम ड्राई करके पीसेंगे। दाल को पानी से अलग करके हमने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। लगभग 1.25 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा धो के साफ करके छील के हम इसमें डालेंगे। 4-5 कलियाँ मैंने लहसुन की भी डाल दी है। 1/2 छोटा चम्मच जीरा इसमें डालूंगी। बस इसे हम बिल्कुल बिना पानी डाले ही पीस लेंगे। अदरक लहसुन को तो हमने दाल के साथ पीस लिया है। अब हम लेंगे 2 प्याज, इसे हम बारीक काट लेंगे। और 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, आप चाहें तो 1-2 ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ये चटपटा ही अच्छा लगता है। इसमें हम डालेंगे पालक की पत्तियाँ, थोड़ी सी पालक की पत्तियाँ मैंने ली हैं। और डालेंगे इसमें लाल वाली चौलाई। अगर लाल वाली चौलाई आपको ना मिले तो उसकी जगह आप हरी वाली चौलाई भी यूज़ कर सकते हैं, वो इजीली अवेलेबल होती है। और अगर दोनों ही तरह की चौलाई ना मिले तो सिर्फ पालक के पत्ते भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस केस में पालक के पत्ते आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेने पड़ेंगे। तो दोनों ही तरह के साग को मैंने बहुत अच्छी तरह 6-7 बार पानी से धो लिया है और इसके पीछे का डंठल भी काट लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे काटेंगे। तो ये सबसे पहले मैं पालक को काटती हूँ। इसे हाथों में उठाते हुए ऐसे एक छोटा सा बंच बनाएंगे और इसे इस तरह से बारीक बारीक काट लेंगे। दोनों ही तरह की भाजी को जितना बारीक हो सके उतना बारीक काट लेंगे। ये देखिए मैंने लाल भाजी भी काट ली है और पालक भाजी भी काट ली है, इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है मैंने। अब एक मिक्सिंग बाउल में ये भाजी हम डाल देंगे। हमने जो 2 प्याज ली थी उसे भी मैंने बारीक काट के रख लिया है, उसे भी इसमें ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें जो मैंने ली थी उसे भी मैंने बारीक काट लिया है और इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी धनिया। अगर आपको कहीं से करी पत्ता मिल जाए तो 8-10 पत्ते इसमें करी पत्ते के भी बारीक काट के डालें, बड़े बड़े पत्ते लें। मेरे पास आज बड़े बड़े पत्ते हैं नहीं इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अगर डालेंगे तो उसका भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें बाकी के मसाले भी डालेंगे। इसमें हम डालेंगे लगभग 1/4 चम्मच हींग, 1/2 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, लगभग 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, इतना ही हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। वैसे तो हमने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं पर ये काफ़ी तीखा अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ी सी मैं लाल मिर्ची भी डाल रही हूँ, आप चाहे तो ना डालें। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक हम सबसे लास्ट में डालेंगे क्योंकि नमक डालने के बाद ये पानी छोड़ेगा, तो हम अभी नहीं चाहते कि अभी इसमें पानी रिलीज होने लगे। तो सब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही हम मिक्स कर लेते हैं हमारी चने की दाल जो हमने पीस के रखी है। चने की दाल बिल्कुल हमने बिना पानी डाले एकदम ड्राई पीसी है, उसे भी डाल देते हैं। अब इसे हाथों की सहायता से ही मुझे मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि बड़े तो हम हाथ से ही बनाएंगे, चम्मच से तो नहीं बना सकते हैं। तो अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा लिक्विडी हो गया है या पतला हो गया है तो इसमें आप थोड़ा बेसन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चने की दाल से बनी चीज़ है तो बेसन का कॉम्बिनेशन इसमें आराम से चल जाता है। और वैसे अभी तो ये मटेरियल बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस सब मिक्स हो गया है, एंड में इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं लगभग 1/2 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ। अगर तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए और कम डालना चाहते हैं तो कम डाल दीजिए। फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
अब हम बड़े बनाना शुरू करते हैं। एक लेमन साइज बॉल हम हाथों में उठा लेंगे और इस तरह से इसे गोल गोल घुमाएंगे और फिर इसे हम दबा देंगे। हमें बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं रखने हैं, पतले पतले रखने हैं, जिससे कि ये बहुत बढ़िया और करारे बने। देखिए ऐसे ये इसका शेप होगा इस तरह से। और तलने के लिए तेल हमें काफ़ी गर्म चाहिए, अच्छे गर्म तेल में ही हम बड़े डालेंगे। थोड़ा सा पोर्शन हम तेल में डाल के देखेंगे तेल गर्म हो गया कि नहीं। देखिए तेल बहुत अच्छा गर्म हो चुका है तो मैं इसमें बड़ा डाल रही हूँ। जब हम बड़ों को डालेंगे तो आँच को अच्छा तेज रखेंगे और थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद आँच को मीडियम कर देंगे, जैसे कि अंदर तक अच्छे करारे सके। थोड़ा सा हिला भी देंगे। जितने एक बार में आ जाए उतने एक बार में डाल दीजिए। देखिए ये वाले सिकने लगे हैं अच्छे, जो मैंने शुरू में डाले थे। ये देखिए कितने मस्त सिक गए हैं, ये लाल लाल हमारे बड़े तैयार हो चुके हैं। इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। बस ऐसे ही लाल लाल करारे हमको सिकने बड़े। तो लीजिए तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे करारे चटपटे चने दाल के भाजी बड़े। साथ में मिल जाए एक प्याली गर्मा गर्म चाय तो बरसात के मौसम का तो मज़ा ही आ जाए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारा आज का एपिसोड देखा होगा और आपको हमारा व्यंजन पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन दबाते वक्त बगल में जो बेल आइकन यानी कि घंटी है उसे जरूर हिट करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सके। एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।